संत श्री नामदेव जी की कथा है, बड़ी प्रसिद्ध कथा। उन पर पंडरीनाथ जी की प्रत्यक्ष कृपा थी, भगवान उन्हें दर्शन देते थे, और केवल दर्शन ही नहीं, ऐसा सख्य भाव के नित्य मिलते थे। अब बोलो जिन्हें भगवान मिल गए, उन नामदेव जी की बात है। एक बार संतों के साथ महाराष्ट्र में भ्रमण हो रहा था, संत ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई भी संत थी और अनेक संत थे। विचरण करते करते एक बार गए गोरा कुंभकार क्या, बड़े सदग्रस्त संत हुए हैं, उच्च कोटि के गोरा कुंभकार, भगवान के नाम संकीर्तन में नित्य निमग्न रहने वाले। उन्होंने सब संतों को निमंत्रित किया, आप संत बैठे भोजन के लिए। मुक्ताबाई जी को अद्भुत प्रेरणा हुई, उन्होंने सोचा कि यहां एक कौतुक करके देखें। तो गोरा कुंभकार घड़े बनाते समय लकड़ी की जिस थापी से पीट पीट कर घड़े को आकार देते थे, वो लकड़ी की थापी मुक्ताबाई ने उठा ली और सब संतों की पीठ में मारना शुरू किया। और संत तो शांत बैठे रहे, नामदेव जी को बहुत बुरा लगा। जैसे वो थापी उठाई तो डाई क्या करते है? और भबक गए। मुक्ताबाई हंसने लगी, उन्हें बस देख लिया देख लिया। क्या उन सभी घड़े पक्के हैं, यही कच्चा है, सब पक्के हैं, देख लिया सब घड़े। क्रोध आ गया, नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा, मुझे भगवान मिल गए फिर भी मैं कच्चा, भगवान रोज दर्शन देते हैं। बड़े दुखी होते हुए पंडरपुर गए, पंडरीनाथ जी से प्रार्थना की कि जिसे आप मिल गए हो वह भी कच्चा, और मेरा अपमान हुआ, और रोने लगे। भगवान ने हृदय से लगाया, बोले मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें रोज दर्शन देता हूं, और दर्शन क्या देता हूं, तुमको देखे बिना मैं भी नहीं रहता। सो सब बात ठीक है, लेकिन दुखी मत हो, सही बात यह कि अभी तुम हो कच्चे ही। नामदेव जी ने कहा आप भी यही कह रहे हैं, यही? भगवान बोले हाँ। बोले अगर मैं कच्चा हूं तो आपने पक्का बनाया क्यों नहीं मुझे? भगवान ने कहा कि पक्का बनाना मेरा काम नहीं। फिर बोले मैं वहां भेज सकता हूं जहां पक्के बन जाओ। कहां? भगवान ने कहा कि मैं भी मिल जाऊं पर बिना गुरुदेव के जीवन पूर्ण नहीं होता, तुम गुरुदेव की शरण में जाओ। ठीक है, कहां जाऊं? तब नामदेव जी को श्री विशोबा खेचर जी के पास भेजा कि उनसे ज्ञान प्राप्त करो। कथा से आप लोग परिचित हैं, इसका अर्थ है कि भगवान भी किसी को मिल जाए तो ज्ञान के लिए गुरुदेव के पास भेजते हैं कि वहां जाओ उनसे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि बिन गुरु हो ये कि ज्ञान। इसीलिए इतने देवताओं की प्रार्थना इन राजाओं ने की, पर ये धनुष टूटने की कौन कहे, हिला भी नहीं।